राजस्थान विधानसभा का यह सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है, हंगामे के साथ स्थगित हुआ और एक विधायक का निलंबन साथ लेकर गया। विधायक मुकेश बाकर 6 महीने के लिए निलंबित हो गए। हमारे साथ मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जी हैं। निलंबन अवधि में विधायक के कुछ अधिकार भी होते हैं या केवल जो जो नुकसान उन्हें उठाने पड़ेंगे दंड के तौर पर वो क्या रहेंगे? देखिये, जिस तरह का व्यवहार मुकेश बाकर ने सदन में कल किया और आज भी किया है पिछले 26-27 घंटों में, उस सबको देखते हुए तो उनका 6 माह का निलंबन कल ही कर लेना चाहिए था हमको, और विचार भी ऐसा ही था हमारा। लेकिन हमने एक अवसर दिया कि वो यदि अपने कृत्य पर अफसोस प्रकट करे, खेद प्रकट कर दे, तो फिर हम उस बात को आज समाप्त कर सकते थे। लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो अपनी जीत पे है और अभिमान में है, वो ये मांग रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और इसलिए उनको सबक देना ज़रूरी था। 6 महीने तक वो निलंबित रहेंगे, यानी वो 6 महीने तक विधानसभा के सदस्य नहीं है, मतलब एक आम नागरिक है जो सदस्य के नाते जो भी विशेष सुविधा अवसर जो भी मिलते हैं, तनख्वाह से लेकर और कहीं प्रवेश तक, टोल नाका है या और कहीं भी है, जो विधायक के नाते जो भी चीज़ उनको अधिकार मिलता है, वो सारे अधिकार से आज वंचित है, वो एक आम नागरिक की तरह ही ट्रीट किए जाने चाहिए। जनता के हित से जुड़े हुए जो निर्णय बजट में बड़ी घोषणाएं उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए भी हुई होंगी, तो क्या वो प्रस्ताव भी 6 महीने तक अब नहीं ले सकेंगे? नहीं, वो तो बजट में घोषणा तो सारी जनता के लिए है, वो के विधायक के लिए नहीं होती है, वो सारी जनता के लिए होती है। अनुशंसा कर पाएंगे? नहीं, उनकी कोई अनुशंसा नहीं हो सकता। सरकार विधायक पद पर में पर भी वो कोई अनुशंसा नहीं कर पाएंगे। विधायक आवास भी आपने अभी बनाए, वहां तो रहने का अधिकार है, उसके बारे में यदि उनको अलॉट हो चुका है तो उसमें उनको निःशुल्क रहने दिया जाना चाहिए या उसका किराया लिया जाना चाहिए, वो अध्यक्ष निर्णय करेंगे। एक बड़ी बात और आपने कही कि 2 सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए थे और वो सीधा आरोप आपने मुकेश बाकर पर ही लगाया। हाँ, वो पुलिसकर्मी कह रहे हैं मुकेश ने काटा है हमको, मुकेश बाकर ने हमको काटा है दांतों से, इसलिए उनके वो घायल हुए। इस पर अलग से कोई एक्शन होगा? वैसे मुख्य सचेतक है आप, पूरा विधानसभा सत्ता पक्ष के लिहाज से भी चीजें देखते हैं, लेकिन इस पूरे मसले में क्या विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेंगे या एक तरीके से माफी मिल जाएगी? उस पर एक्शन हो सकता है, पहले भी FIR दर्ज हुई है, लेकिन वो पुलिस कर्मी और उनके सक्षम अधिकारी और विधानसभा के सक्षम अधिकारी मिलकर निर्णय करेंगे। एक अंतिम सवाल ये भी होता है कि 6 महीने का कार्यकाल, ये जो निलंबन का अवधि पूरी होने के बाद, सवाल आज के विषय पर ही खड़ा होगा, माफी या फिर आराम से उन्हें प्रवेश दे दिया जाएगा कि आइए अब कार्रवाई में भाग लें? 6 महीने बाद भी यदि व्यक्ति अपना व्यवहार सुधारने को तैयार नहीं होगा तो फिर सदन को दूसरा विचार भी करना पड़ेगा, पर मैं समझता हूँ कि उनको पता लग जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है, और उनको 6 महीने बाद ही सही अफसोस प्रकट करना ही चाहिए। जोगेश्वर जी, एक अंतिम सवाल ये दर्शकों की तरफ से है राजस्थान चौक के, कि क्या इसमें राजनीति, द्वेषता या कोई ऐसा कारण तो नहीं है कि दुर्भावना पूर्वक एक्शन मुकेश भाकर पर हुआ हो इस पूरे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुकेश भाकर को लेके कोई किसी की व्यक्तिगत वो न तो कोई द्वेष है न कोई दुश्मनी है, कुछ नहीं है, और दूसरी बार विधायक है, वो युवा है और अच्छा, उनका भविष्य उज्जवल भविष्य है, तो उनको अपना 5 साल पहले रह चुके, 6ठा साल ये जा रहा है, तो उनको मर्यादा सीखनी चाहिए थी और मर्यादा में रह के व्यवहार करना चाहिए था। अब भी यदि वो ऐसे ही व्यवहार करते जैसे यूनिवर्सिटी में करते रहे होंगे, यूनिवर्सिटी कैंपस में जैसे करते रहे होंगे विद्यार्थी नेता के रूप में, NSUI नेता के रूप में, वैसा आप विधानसभा में भी करते रहेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। अगर विपक्ष चाहता तो इस मसले का समाधान कुछ आसान दंड के रूप में भी हो सकता? बहुत आराम से समाधान हो सकता था, हम बिल्कुल खुले दिमाग से उनका स्वागत करने को तैयार थे, उनके हर वाजिब प्रस्ताव को मानने को तैयार थे, सिर्फ 1 घंटे का वो हमारे रहा मतभेद, हमने कहा कि प्रश्नकाल के बाद निर्णय करेंगे, उन्होंने कहा प्रश्नकाल से पहले निर्णय करो, तो पहले किया तो फिर वो बाहर गया ही कहाँ, तो फिर सजा कहाँ मिली, 1 घंटा तो सजा भुगते हो। थैंक यू राजस्थान चौक से जुड़ने के लिए। तो जोगेश्वर गर्ग थे मुख्य सचेतक, सीधी बात इन्होंने कही है कि 6 महीने तक मुकेश भाकर को विधायक के तौर पर मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलेंगी। साथ में एक बड़ा आरोप भी उन्होंने मुकेश भाकर पर लगा दिया है कि विधानसभा के 2 सुरक्षा कर्मियों को उन्होंने घायल किया है।
वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।